गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आर टुडेज टॉपिक इज वर्ल्ड बैंक. मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोगों को थोड़ा बहुत सर्च करके आना है अबाउट द फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक. सो गार्गी ने बताया कि गार्गी कुछ रिसर्च करके आई है वर्ल्ड बैंक रिलेटेड. तो चलो गार्गी, टेल अस व्हाट इज वर्ल्ड बैंक. World Bank. The World Bank is an international institution that provides loans and grants to the government of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects. Headquarters, Washington DC, United States. President David Malpass. ओके चलो वेरी गुड. यस मन्नत, उसके बाद नजोत, मैं आपसे बात करती हूँ. ठीक है, आपने काफी देर से हैंड रेस किया हुआ है. मैम मैं कह रही थी, मैम मैं इतने दिन इसलिए क्यों नहीं आई कल. मैम मैं इधर, मैम मेरी कंट्री में, मैम गवर्नमेंट स्कूल के मैम एग्जाम्स थे, तो मैम इधर लीक किया गया था कि नेट ऑफ रहेगा, तो मैम वो नेट ऑफ. ओके ओके, कोई इशू नहीं. आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर सारे प्रोवाइडेड है, उनको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा. ओके गाइस, मन्नत, नवजोत कहाँ पे है? यस नवजोत, कुछ हैंड रेज किया था आपने इतनी देर से, बताइए. नहीं, यस गार्गी, पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप जीत गया है. अरे ऐसी न्यूज सुना दी आपने मेरे को सवेरे सवेरे. मैम हाँ, क्या हुआ भारत को? मैम भारत हार गया और पाकिस्तान जीत गया. इसमें इतना खुश होने वाली काम बात है? आपको तो रोते रोते बताना चाहिए था. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गेम है, हार जीत चलती रहती है. यस रोहित. मैम जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप था, तो मैम इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो मैम पाकिस्तान जीत गया. मैम मैंने कल रात को 11 बजे चेक किया था. नहीं मुझे पता तो था मैच हुआ है, बट मैं थोड़ा सा करवा चौथ स्टफ में बिजी थी, तो मैंने देखा नहीं, मॉर्निंग में बिजी थी. चलो ठीक है, अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. पाकिस्तान को ट्रॉफी मुबारक हो, नहीं चाहिए. चलो ठीक है, आप जो बेटा वर्ल्ड बैंक है, ध्यान से सुन लो. सिंपल, जैसे पहले तो चीज हमें काजी ने बताया कि वो क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करवाता है एंड ग्रांट्स देता है. ठीक है, जैसे हमारे नॉर्मल बैंक्स होते हैं, वो हमें लोन्स भी देते हैं, ग्रांट्स भी देते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी क्या करता है, एक बैंक की तरह ही काम करता है. लेकिन जैसे हमारे जो नॉर्मल बैंक है, वो इंडिविजुअल विद इन द कंट्री वो क्या करते हैं, हमें लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं. अब वर्ल्ड बैंक का एक और नाम है, नोट डाउन कर लीजिए, इस नाम में ही इसका सारा काम छुपा है. सो बेटर नोट डाउन कर लीजिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, वापस लिख देती हूँ, एंड डेवलपमेंट. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, क्या है पूरा नेम? आर्यन मुझे कॉपी पेस्ट करना बंद करो बेटा, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो एक्सप्लेन करो, या गूगल से मुझे कॉपी पेस्ट करना बंद करो. अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसका फंक्शन, तो आई एम गिविंग यू ऑप्शन. बाकी मुझे मैसेजेस करना बंद करो गूगल से कॉपी पेस्ट करके. मुझे बहुत नफरत है इस चीज से कि आप लोग एक्सप्लेन कुछ नहीं कर सकते, समझा कुछ नहीं सकते, बता कुछ नहीं सकते, गूगल से उठाकर कॉपी पेस्ट करके मुझे मैसेज कर देते हैं. ठीक है, तो देखिए अब नेम क्या है इसका, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. अब ये वर्ल्ड बैंक का एक दूसरा नाम है. इसी में क्या है, इसकी सारी फंक्शन चुकी है. जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट चीज है रिकंस्ट्रक्शन, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा. अब क्या होता है बच्चा, 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी थी, World War I एंड World War II, ये 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी थी. अब इसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाया था, यूरोप को. तो अब इन्होंने बेसिकली क्या करना स्टार्ट किया कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको क्या करना स्टार्ट किया, उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, बिकॉज वहां की जो इकोनॉमी थी, किसी भी देश की इकोनॉमी उसकी डेवलपमेंट का एक तरीके से सिंबल होती है. जिसकी इकोनॉमी जितनी अच्छी होती है वो कंट्री उतना ही डेवलप्ड है. अब जब किसी देश की इकोनॉमी गिर जाती है तो क्या होता है, उस देश में सारा कुछ गलत होना स्टार्ट हो जाता है. लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिलती है, खाने को नहीं है, तो जो भी चीजें होती है बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है. बिकॉज पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा ही नहीं है तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है.
रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब यूरोप में क्या हुआ, दो वर्ल्ड वॉर की मार यूरोप झेल चुका था। अब सपोज आज मन्नत कोई घर है वो टूटा फूटा है, ठीक है, आपके पास दो घर है, एक घर एकदम टूटा फूटा सा है और दूसरा घर ठीक ठाक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले जो टूटा फूटा घर है उसको ठीक करवाओगे या जो नया घर है उसमें इंटीरियर करवाओगे? हाँ जी गार्गी, यस अर्पिता मैम, पहले टूटे वाले घर को सही, टूटे वाले घर को सही करवाएगी, ठीक है। सो दिस वॉज द रीजन की वर्ल्ड बैंक भी क्या कर रहा है, पहले रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है कि यूरोप की जो भी कंट्रीज हैं जो क्या है, जो बहुत बुरी तरह से एक तरीके से उनकी इकोनॉमी गिर चुकी है, तो पहले क्या करना है उनका रिकंस्ट्रक्शन। अब जब रिकंस्ट्रक्शन हो गया 1950 तक या 60 तक, तो वो यही काम कर रहा था, ठीक है, यही काम कर रहा वर्ल्ड बैंक इतने टाइम तक। उसके बाद अब क्या हुआ, जब रिकंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है तब उसके बाद बारी आती है डेवलपमेंट की। तब वही जैसे दूसरा घर उसमें आप इंटीरियर अपन स्टार्ट कर सकते हैं, वहां पे आप सीलिंग करा लो, पीवीसी पैनलिंग करा लो, वॉलपेपर्स लगवा लो, पूरा डेकोरेट करवा लो, जो भी आपने करवाना है, वुडन फ्लोरिंग करवा लो, सारा काम आप करवा सकते हो। तो अब डेवलपमेंट के बाद जो बाकी कंट्रीज है उनका डेवलपमेंट, लाइक इंडिया जैसा कंट्री है तो हमें डेवलपमेंट चाहिए यहाँ पे। इंडिया एकदम गिरा पड़ा तो नहीं है कि हमें खाने को ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स है बहुत सारी, ऐसा कुछ नहीं है अभी। हाँ कोविड के बाद से थोड़ा सा चीजें डिफरेंट हुई है, बट कोविड से पहले तक इतनी बुरी हालत नहीं है कि खाने को ही नहीं मिल रहा है। होता है हर कंट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खाने के लिए भी नहीं होता है, बट इट डजंट मीन कि पूरी कंट्री का यही हाल है। सो अब बाद में डेवलपमेंट की बात थी। तो जब वर्ल्ड बैंक ने रिकंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया यूरोप का, वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्टेबल हो गई, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने क्या स्टार्ट किया, अब डेवलपमेंट का काम किया। तो यहाँ तक जिसको डाउट हो रेज योर हैंड, उसके बाद हम प्रॉपर एक स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक थ्योरेटिकली। यस अर्पिता मैम, जो आपने भी यूरोप कंटिनेंट की बात की थी, उससे डाउट मेरे को हुआ कि यूरोप जो कंटिनेंट है उसको मतलब जो मेन हेड है पूरे यूरोप कंटिनेंट का वो कौन है? मेन हेड ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेन हेड ऐसा कुछ नहीं, सब कंट्रीज। अब ऐसे तो इंडिया साउथ एशिया में, तो साउथ एशिया का हेड कौन है? ऐसा कुछ पर्टिकुलर हेड नहीं है ना साउथ एशिया का, सब कंट्री में अपने अपने हेड है, उनके अपने अपने प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट, उनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है, तो ऐसा कुछ हेडवर्ड की बात नहीं है। ओके कुछ और इतने में जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसमें किसको डाउट है, रेज योर हैंड्स जिन जिनको डाउट हो, जो अभी मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया? रोहित, यस मैम, हाँ जी एक्सप्लेन करो क्या था, पूरी क्लास को क्या समझाया मैंने अभी, तब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ। मैम हमने ये समझाया कि मैम जो वर्ल्ड बैंक है उसको स्टैब्लिश की गई थी मैम लोन प्रोवाइड करने के लिए, और ग्रांट्स लोन हमें देने के लिए मैम ये वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश की गई थी। एंड इसका अनदर नेम मैम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है मैम, इसका अनदर नेम वर्ल्ड बैंक का अनदर नेम है, क्या नेम है मैम, जो क्या नेम है वर्ल्ड बैंक का, क्या नेम है एक और वर्ल्ड बैंक का मैम, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। यस, अब क्या क्या इस नाम में ही इसका काम छुपा है, तो क्या काम है इसका? मैम जो वीक कंट्री है तो मैम उसको हम उसकी उसको हम रिकंस्ट्रक्ट यूरोपियन कंट्रीज, नॉट वीक कंट्रीज, सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी दो वर्ल्ड वॉर के बाद में उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बुरी तरह से गिर गई थी, सो दिस वाज द रीजन कि उनकी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना था। आगे मैम इतना ही बताया था, उसके बाद डेवलपमेंट का क्या सिस्टम बताया मैंने, मैंने बताया था जब उसने रिकंस्ट्रक्शन कर लिया उसके बाद अब उसने क्या किया, बाकी कंट्रीज पे फोकस करना स्टार्ट किया और डेवलपमेंट के पर्पज से उनको लोन और ग्रांट देना स्टार्ट कर दिया। ओके चलो बच्चे एक मिनट, जस्ट मिनट, गिव मी टू मिनट्स, मैं बस अटेंडेंस ले लूं, देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखो स्लाइड पे वन बाय वन रीड करना स्टार्ट करो और पढ़ना स्टार्ट करो। अब ये जो बच्चा वर्ल्ड बैंक है आपकी, ये बेसिकली फाइव इंस्टीट्यूशन से बना है, ये देखिए। और कौन कौन सी फाइव इंस्टीट्यूशन है? स्वरित शर्मा कौन हो आप, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम, हाँ जी कौन हो आप, मेरी क्लास में ना पहली बार आपको देखा मैम, फिर कैमरा ऑन नहीं किया होगा कभी, चलो कोई बात नहीं। ये फर्स्ट ब्लॉक रीड करना स्टार्ट करो, वर्क विद गवर्नमेंट से, ये फर्स्ट वाला आईबीआरडी क्या फुल फॉर्म है इसका? अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ओके। अब ये क्या क्या काम करेगा लिख लो ये पांच, चाहे फुल फॉर्म ना लिखो तो शॉर्ट फॉर्म लिख दो सिर्फ आईबीआरडी, हो सकता है आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। आईबीआरडी का फंक्शन क्या है, वही रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम करता है। अब पता है वर्ल्ड बैंक का एक और मस्त तरीका है काम करने का, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब सपोज जैसे आज गार्गी को लोन दिया मैंने, गार्गी आपको क्या लगता है मैं आपसे लोन कितने टाइम में वापस मांगूंगी? आज मैंने आपको लोन दे दिया 5 लाख का, ऐश करो। अब आपको क्या लगता है मैम कितने टाइम में ये लोन मांगेगी और कितना इंटरेस्ट ले लूंगी मैं इस पर?
मैम जब आपके पास पैसा फिनिश हो जाएगा। तो कब मेरे पास पैसा फिनिश होगा ये भी बता दो। हाँ रोहित आपको क्या लगता है मैं कितने टाइम में मैं आपसे रिटर्न मांगूंगी? रोहित मुझे अब मेरा पैसा वापस दो। अप्रोक्सीमेटली क्या लगता है आपको? मन्नत स्वरित आपको क्या लगता है मैं कितने टाइम में पैसा वापस मांगूंगी आपसे? आरुष मैम 5 ईयर्स। 5 ईयर्स चलो ठीक है। यस मैम 5 ईयर। और 5 ईयर्स के बाद मैं आपसे 5 लाख भी लूंगी या उससे ज्यादा लूंगी इंटरेस्ट के साथ लूंगी? 5 लाख। नहीं मैं तो इंटरेस्ट लूंगी, मैं क्यों अपना पैसा छोड़ू? बैंक में आज अगर मैं 5 लाख रखती तो आफ्टर 5 ईयर्स मुझे कितना इंटरेस्ट मिल जाता? तो मैं क्यों अकेला 5 लाख में? हो सकता है मैं आपसे 7 लाख लेती या 8 लाख लेती या 9 लाख, हो सकता है पूरा 10 लाख ले लेती। ठीक है बट अब वर्ल्ड बैंक का जो फंक्शनिंग क्या है वो उसकी बहुत अच्छा फंक्शन है कि पहली चीज तो वो लोन दे रहा है आपको, रिटर्न कब करना है जैसे 150 साल बाद, 90 इयर्स बाद, 100 इयर्स बाद, इतना इतना टाइम दे दिया, टेंशन और फ्री होकर के लोन ले दिए कंट्रीज। दूसरी चीज नो इंटरेस्ट। ठीक है बड़ा बढ़िया फंक्शन है ये तो। ठीक है सो दिस इज द रीजन कि कंट्रीज क्या करती है इनसे बैंक से वर्ल्ड बैंक से सॉरी लोन लेना स्टार्ट करती है। यस गार्गी आपने एंड्रेस किया, इतना समझ में आ गया? रिकंस्ट्रक्शन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लोन हुआ, देखो कितने कितने सालों बाद ले रहा। बाद में अर्पिता मैं 50 साल बाद तुमसे वापस लूंगी, तो अर्पिता की तो ऐश बाद में दूंगी नहीं, और अगर दे भी दिया तो कोई नहीं इंटरेस्ट भी नहीं देना है। ठीक है तो ये चीज है। सो ये वर्ल्ड बैंक का जो बहुत ही यूनिक फंक्शन है। ठीक है आप सेकेंड रीड करो अर्पिता, रीड दिस आईडीए। क्या है आईडीए? लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया देता है। लॉन्ग टर्म मैम मैं हो गया। चलो अब जो भी हो गए पढ़ते जाओ वन बाय वन, आईडीए रीड कर लो जो भी हो गए। मैम आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है इसकी सेकंड ब्रांच है। थर्ड आईएफसी क्या है? आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब ये क्या क्या काम कर रही है? इन्वेस्टमेंट एडवाइस सर्विस टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। ठीक है एक तो इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहाँ पैसा खर्च कर रही है, फिर एडवाइस भी दे रही है कि आप ऐसे ऐसे कर लो, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, उसके बाद एनकरेज भी कर रही है कि आप करो कोई ना हम खड़े हम आपको सपोर्ट डेफिनेटली कर देंगे। सो इतने सारे फंक्शन है। चलो अब और किसने रीड नहीं किया? ऋषि का कहाँ पर? ऋषि का अभी ज्वाइन हुई है। वेयर इज ऋषि का? ऋषि का पाल चलो रीड। एम आई जी ए क्या नेम है इसका? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और ये काम क्या करेगी? पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटीज। चलो गुड। चलो आदित्य ये मित्रो आईसीएसआईडी, ये क्या काम करेगा? आईसीएसआईडी में इंटरनेशनल इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन Arbitration of investment disputes. अब बच्चा सपोज आज चिराग ने और ऋषिका ने इन्वेस्ट किया कहीं पे, ठीक है मैंने उनको बोला था कि कोई नहीं आप दोनों मिलकर के पार्टनरशिप में 10-10 लाख रुपए लगा करके इन्वेस्टमेंट करो, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब बाद में कुछ इश्यूज हो गए दोनों के बीच में, दोनों के ही बीच में कुछ इश्यूज हो गए, तो एज मैंने इनको एनकरेज किया था कि आप इन्वेस्टमेंट करो, तो इसके बीच जो डिस्प्यूट्स है उनको भी मैं ही सेटल करूंगी, या तो मैं खुद कर सकती हूँ या फिर मैं यास्मीन और अर्पिता को बैठा दूंगी आर्बिट्रेशन में कि यास्मीन और अर्पिता आप दोनों ही क्या करो इनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करो, तो यास्मीन और अर्पिता दोनों से मिलकर के बात करेंगी क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या सूट्स हैं इनके, सब चीजें पीरिंग्स क्या क्या है, सारी चीजें फ्रेम करके वो एक फॉर्मल वे में ऑफिशियल तरीके से जैसे कोर्ट डिस्प्यूट का निपटारा करता है इन दैट सेम वे वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देगी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।